हेलो दोस्तों, आज जो है हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं अभी जो एग्ज़ाम हुई थी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट की, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड दिस इज़ फॉर एम कॉम थर्ड सेमेस्टर। तो हम देखते हैं, टाइमिंग सेम एज यूजुअल, 3 ईयर्स, मार्किंग 85 फॉर रेगुलर एंड 100 फॉर प्राइवेट। ओके, फिर हमें दिया हुआ है कि सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, यस, इसकी मार्किंग अगर आप देख रहे हैं देन इट इज़ 10 × 1.5। आपका ऑब्जेक्टिव जो है इस बार 1.5, 1.5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। टोटल जो है 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो 15 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो एक चीज़ और हमें ध्यान देने की ये है कि पहले जो ये होता था कि ऑब्जेक्टिव हमेशा 1 मार्क्स के रहते थे, अब पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता है। हमने ये भी देख लिया, 2 मार्क्स में भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और 1.5 में भी। दैट मीन्स हमें ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले तो हम इंग्लिश वाला पोर्शन ले लेते हैं और इंग्लिश में रीड करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? द वर्ड एंटरप्रेनर इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जब एंटरप्रेनरशिप स्किल डेवलपमेंट की बुक खोली होगी या जो भी आपके पास मटेरियल है 20 और कॉलेज सीरीज, तो उसमें सबसे पहले यही दिया रहता है कि एंटरप्रेनर कौन है और ये वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। सो इट इज़ फ्रॉम द फ्रेंच, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज से जो है ये वर्ड एंटरप्रेनर जो है वो डिराइव्ड है। ओके तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ। इन द प्रेजेंट सिनेरियो टू एंटरप्रेनरशिप इज, आज के सिनेरियो में हम एंटरप्रेनरशिप किसे कहेंगे? तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि हमने उसको किसी दूसरे एस्पेक्ट में सोच लिया तो वो तुरंत गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें ध्यान से देखना है कि आज के समय में हम एंटरप्रेनरशिप किन चीज़ों को बोल सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, इनोवेटिव, सर्विस, ऑल ऑफ दिस। तो डेफिनेटली एंटरप्रेनरशिप का जो अब क्राइटेरिया है इट इज़ वेरी ह्यूज, हम बोल सकते हैं वास्ट है, जिसमें कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल भी इंक्लूड है। इनोवेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेनरशिप एंड सर्विस रेंडरिंग। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? दैट इज ऑल ऑफ दिस। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल? इसमें से कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं है? तो शेयर कैपिटल इज इंटरनल सोर्स है, डिबेंचर्स जो हैं वो हमारे इंटरनल सोर्स नहीं हैं। बट हम सॉरी बाकी के ऑप्शंस भी देख लें कि वो इंटरनल सोर्स हैं क्या, तभी हमारे डिबेंचर्स जो है वो टिक हो जाएगा। रिटेन अर्निंग्स इंटरनल सोर्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हमारा इंटरनल सोर्स है। सो डिबेंचर्स आर द करेक्ट आंसर। ओके ओके, अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ ऑब्जेक्टिव की तरफ। द लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोपरेटरशिप, सोल प्रोपरेटरशिप की लाइबिलिटी क्या होती है? तो आप खुद बता सकते हैं सोल प्रोपरेटरशिप की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है? यस, इट इज ऑलवेज अनलिमिटेड। हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। लिमिटेड दिया हुआ है, अनलिमिटेड, अप टू द लिमिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, नन ऑफ देम। तो डेफिनेटली सोल प्रोपरेटरशिप इज द सिंगल पर्सन हु इज मैनेजिंग द बिजनेस एंड कंट्रोलिंग ओवर इट्स एक्टिविटीज, है ना। तो वो सिंगल पर्सन है, सभी कुछ वो ऑपरेट करेगा, प्रॉफिट पूरा किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा। तो उसकी लाइबिलिटी भी क्या रहेगी? ह्यूज रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। तो अनलिमिटेड जो है वो सही आंसर है। आपको इन पे नहीं जाना है, ये तो स्टूडेंट्स के द्वारा टिक किया गया है। सो अनलिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं हमारा लास्ट सॉरी फिफ्थ वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? हु कॉल्ड एंटरप्रेनर एज एन इनोवेटर? आपको इनमें से किस इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि एंटरप्रेनर जो है इनोवेटर है ना, जो इनोवेशन में बिलीव करता है? तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, थॉमस कर्चन, स्कुम्पीटर, मैकलिलैंड एंड एवर्ट हैगन। तो अलग अलग ऑप्शन हैं, बट हमने देखा है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी अलग अलग प्रॉफिट की थ्योरी थी, उसमें स्कुम्पीटर ने जो है इनोवेशन थ्योरी दी थी। तो एंटरप्रेनर एज एन इनोवेटर,
तो ये ऑप्शन जो है इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा आपका, स्कुम्पिटर, स्कुम्पिटर। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव की तरफ और सॉल्व करते हैं हमारा सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव की क्या दिया है। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, इनमें से कौन सी लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। अनफेयर मीन्स डेफिनेटली लीडर को करना रहेगा कि उसे अनफेयर चीज़ों को नहीं यूज़ करना है। ओके, करप्शन क्या ये, सॉरी हमें विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है। तो अनफेयर होता है क्या लीडरशिप, यस नहीं होता, उसे फेयर होना चाहिए। करप्शन नहीं, ही शुड नॉट बी करप्टेड। सेल्फलेसनेस, ही शुड नॉट बी सेल्फलेसनेस। तो ऑल ऑफ अबव जो है वो सही है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि उसे इनफेयर भी नहीं होना चाहिए, करप्टेड भी नहीं होना चाहिए और सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम बढ़े आगे। तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, EDP याद हो तो आपको, तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट की, डिसऑनेस्टी की, नन ऑफ देम। तो EDP जो है एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं यदि हम, तो एक नई इकाई की स्थापना में शामिल है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू यूनिट इंक्लूड्स, किसी भी नए यूनिट में इसमें से क्या इंक्लूड है। तो हम पढ़ते हैं उसके ऑप्शन। सर्चिंग ऑफ अ न्यू आइडियाज, न्यू यूनिट में डेफिनेटली आप नए आइडिया को सर्च करोगे, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग करोगे, लीगल फॉर्मेलिटीज भी करोगे। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव है ना। हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे तो हमने देखा बहुत सारे आपको जो है ऑल ऑफ द अबव जो है। तो जब इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इट इज़ ईजी फॉर यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ, द मेन कोर्स टू ओरिजिनेट द एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर का जो है द मेन कोर्स टू ओरिजिनेट, यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो उद्यमशील व्यवहार के उद्भव के मुख्य स्रोत हैं। तो क्वालिटी एंड इफिशियंसी से पता पड़ता है एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर, डेफिनेटली वर्क एनवायरनमेंट से, मोटिवेशनल फैक्टर से एंड ऑल ऑफ द अबव। अगेन एक और हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो नाउ वी आर एट द और टेंथ ऑब्जेक्टिव, और टेंथ क्या है, दैट इज अवर लास्ट। द हेड ऑफिस ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन इज सिचुएटेड एट, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इंदौर, जबलपुर, रीवा एंड भोपाल। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये चीज़ डिस्कस की थी कि मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, इंदौर में है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इंदौर। आपको याद हो तो हमने देखा था कि 1955 में वो इस्टेब्लिश हुआ था, जैसे कि एक 51 में एक्ट पास हुई थी कि हर स्टेट में जो है एक फाइनेंस कॉरपोरेशन होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से वो कॉरपोरेशन चालू हुआ था, और जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ था, इंदौर में। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हम उसमें, यदि आपको डिटेल में कभी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो उस समय हमने देखा था कि जनता पार्टी की जो है गवर्नमेंट थी और उन्होंने वो चीज़ें स्टार्ट की थी। ओके, सो हियर इज़ द थिंग। और अब बढ़ते हैं हम हमारे सेक्शन बी की तरफ जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5x5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस हैं। और ये सबसे खास बात होती है कॉलेज के एग्ज़ाम्स की कि आपको हर क्वेश्चन में जो है चॉइस मिलती है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ गुड सब्जेक्ट जिसमें आपको थ्योरी सब्जेक्ट है प्लस चॉइस भी रहती है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे और पेपर बहुत ही आसान है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम रीड करें, वॉट इट इज़ एन इंसेंटिव एंटरप्रेन्योर है ना। इंसेंटिव एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं, उसी का ही और अगर हम पढ़ें, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है ना, उसके महत्व को हमें स्पष्ट करना है। ओके, हम यहाँ पे अगेन मैं फिर से आपको बोल दूँ, जैसे कि हम पिछले दो पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। इसके आंसर्स यदि आपको चाहिए तो अगेन हमने डिटेल में एक एक यूनिट करके उसको समझा है, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी और आप उसमें से पढ़ लेना।
ओके, अदरवाइज यहाँ पे भी अगर हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, है ना, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा इससे। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स, एक्सप्लेन, प्रमोटर्स के टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना है। और यदि इसी का ही और क्वेश्चन देख लिया तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या ऑब्जेक्ट होता है। ओके, और उसी का ही हमने अगर और वाला क्वेश्चन देखा तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। तो आसान है, पहले तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद हो तो आपको, हमने पढ़ा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेनर की अलग अलग सेक्टर्स की तरफ होती है, क्रेडिटर्स की तरफ, कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, गवर्नमेंट की तरफ होती है ना, शेयर होल्डर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके की इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें डिस्कस करना है, और इनोवेशन के एडवांटेजेस। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP आया है यहाँ पे, इसकी लिमिटेशंस बतानी है, दैट मीन्स इसकी बुराई करना है आपको, कुल मिला के इसकी सीमाएं बतानी है। दूसरे नाम से डिसएडवांटेज के नाम से भी आ सकता है, सो या डीमेरिट के नाम से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, है ना। वर्डिंग चेंज हो जाती है, अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो कुछ उसकी वर्ड चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन एट लास्ट इंपॉर्टेंट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी का ही और अगर देखें तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टेजेस ऑफ EDP, EDP की स्टेजेस कौन कौन सी होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज खादी ग्रामोद्योग आयोग, ये क्या होता है। और इसी का ही और क्वेश्चन देखें तो इंडस्ट्रियल ई स्टेट क्या होता है, जिसे हमने इंडस्ट्रियल पार्क भी कहा था, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करती है और इसमें फाइनेंस देने का काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके, तो दिस आर द 5x5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगेन टाइम मैनेजमेंट का हमें ध्यान रखना है, हमें एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, अदरवाइज हम अपनी तरफ से वो मार्क्स जो है ऑलरेडी एग्जामिनर को दे रहे हैं, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें स्टार्टिंग से ही टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। देन कम्स सेक्शन सी, और इसमें है हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हैं और उनकी मार्किंग अगर हम देखें तो इट इज़ 9 मार्क्स और टोटल जो है आपको 45 मार्क्स जो है यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर्स में अगेन आपको सफिशिएंट समय देना है, क्योंकि 9 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे तो मार्किंग उतने अच्छे से होगी। ओके, तो हम 7th क्वेश्चन को रीड करें। एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल एंड आइडेंटिफाई ऑफ एंटरप्रेनर इन मॉडर्न बिजनेस, इसको हम हिंदी में भी रीड कर लेते हैं और क्लैरिटी के लिए। आधुनिक व्यवसाय में उद्यमी की बदलती हुई भूमिका एवं पहचान डालिए, दैट मीन्स अभी मॉडर्न समय में एंटरप्रेनरशिप की जो आइडेंटिटी चेंज हुई है या रोल चेंज हुआ है, उन चीज़ों पर हमें फोकस करना है और उसके ऊपर हमें नोट लिखना है। ओके, तो इसमें जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग कहा है ना, कोई सोचता है कि एंटरप्रेनर जो है प्योर प्रॉफिट पे बिलीव करता है, जैसे हमने नाइट की थ्योरी देखी थी, फिर हम सुम पीटर को देखें तो वो क्या बिलीव करता है, इनोवेशन की। तो अब जो है एंटरप्रेनर की डेफिनेशन चेंज हो गई है, ब्रॉड हो गया है। अभी हमने ऑब्जेक्टिव देखा, उसमें भी हमने देखा कि सर्विस रेंडरिंग भी काम है, इनोवेशन भी काम है, तो उस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ। Describe the sociological theory of entrepreneurship with its different models, जो अलग अलग models थे जैसे कि अभी हम discuss कर रहे थे, तो उन चीज़ों को हमें describe करना है। उद्यमिता विकास की समाज शास्त्रीय विचारधारा को विभिन्न models के द्वारा जो है समझाना है। Okay, then comes 8th question, discuss the main factors of social environment, social environment के main factors क्या हैं वो, एंड राइट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन, प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन आपको क्या कहता है वो। तो यहाँ पे जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो उसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे आपको आया है प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन, सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करें कि इनोवेशन क्या होता है, उसका मतलब। देन प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन किसने दिया है, जैसे कि सुम पीटर ने दिया है, तो उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करें। और सुम पीटर की लैंग्वेज यदि हम याद कर पाएँ तो उन्होंने इनोवेशन के बारे में क्या बोला है उस चीज़ को। एंड देन हम आ जाएं एक्चुअल जो हमारा क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन, तो इसमें पर्टिकुलरली पॉइंट्स बना के हम उन चीज़ों को लिखेंगे, देन जो है हमारे 9 मार्किंग की जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली हो पाएगी।
ओके, सो राइटिंग एन आंसर इज ऑल्सो एन आर्ट. अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. ओके, उद्यमशील व्यवहार क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर क्या होता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर ही ऐसा कुछ होना चाहिए कि एंटरप्रेनर की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो गोल अचीव, उसे गोल अचीव ही करना है, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आप वो फीचर्स लिख सकते हो कि एंटरप्रेनर के क्या फीचर्स होते हैं. तो वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है ना. फोरकास्टिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, अनसर्टनिटीज़ को वो झेल पाए, रिस्क को झेल पाए, है ना, तभी तो उसके रिवॉर्ड के वे में उसे प्रॉफिट मिलेगा. तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स जो हैं आप लिख सकते हैं. अब हम बढ़ें कि इसका ही और क्या आया है. एंटरप्रेनर बिहेवियर कर सकते हैं, या फिर हम डिस्क्राइब द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्रेनर टूवर्ड्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ये बहुत अच्छा आंसर है. अगर आपको मार्किंग कवर करनी है तो एंटरप्रेनर की अलग अलग सोसाइटी में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिसको, जैसे मैंने बोला, रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट भी होती है, टूवर्ड्स द कस्टमर, टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज कि उनको प्रॉपर सैलरी दी जाए, है ना, टूवर्ड्स द क्रेडिटर्स, टूवर्ड द शेयर होल्डर्स, टूवर्ड्स द सोसाइटी इस, या टूवर्ड्स द नेशन. इस तरीके से जब हम अलग अलग पॉइंट करके लिखेंगे और उनमें भी फिर हम फर्दर डीलिंग करेंगे, तो हम ऑब्वियसली बहुत अच्छे से हमारा आंसर लिख पाएंगे. फिर हम पढ़ें आगे क्वेश्चन नंबर 10. What is mean by entrepreneurship development program? फिर आ गया आपके पास EDB and discuss its major characteristics. Okay. फिर critically examine the steps taken by the government of entrepreneurship in India. आपको इसमें जो है, हम हिंदी में भी रीड करते हैं उसको, भारत में उद्यमिता विकास के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए. Critically उसकी आपकी, आपको समीक्षा करनी है. Okay. 11th क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ एंटरप्रेनर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी एंटरप्रेनर का क्या रोल होता है, उस पर हमें अच्छा खासा ऐसे लिखना है. और इसी का ही और अगर रीड करें, ओके, इसको हम हिंदी में पढ़ लें क्या, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका पर एक निबंध लिखी है. ओके, अब इसी का ही और देखते हैं हम. भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए. एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया दैट इज कब आई थी, 1991, जिसमें हमने देखा था बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस थे जो कि हट गए थे और कंसेशंस मिले थे, है ना. लिबरलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी आई थी, हमने इसको डिस्कस किया था. तो आप उसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 11th. और इस तरीके से पेपर आया था. पेपर की अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें, द पेपर इज नॉट टू डिफिकल्ट और बहुत इजी भी नहीं है. इट इज़ मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच विचार करके ही उसको लिखना है. यस, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसके बहुत ही आसान आए हैं, तो हो सकता है आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आए क्वेश्चंस वो जो हैं कुछ इस तरीके से हो. बट ये है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट की, अगर हमने उसको अच्छे से पढ़ा है, तो हम डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बहुत अच्छे से अटेंड कर लेंगे. सो विद दिस अगेन ऑल द बेस्ट, और फिर मिलते हैं हम किसी नए पेपर के डिस्कशन के साथ. विद दिस थैंक यू.